गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू टुडे सेशन जो कि है अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। तो बेसिकली हम टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स। सम वुड बी ऑर्डर टेकर्स, सम वुड बी ऑर्डर क्रिएटर्स, सम वुड बी ऑर्डर गेटर्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दीज नेम्स एट दिस स्टेज माइट साउंड यू नो सिमिलर बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर फंक्शनिंग। If you look at this graph, this diagram on your screen, so on the left hand side there is creative selling skill and on the right hand side we have kept order processing. So if we talk about particularly the order getters, so in the case of order getters, their creative selling is very much high. ये अपने आप में clear करता है कि creative selling की बहुत high होती है, मतलब actual में जाकर selling करने वाले जो लोग हैं वो यही होते हैं order getters. They are the person who actually go and sell the product. Whereas if we talk about जो नीचे mentioned है order takers, उन इनके केस में ऑर्डर प्रोसेसिंग इज वेरी मच हाई, मीनिंग दैट दे डोंट गो टू गेट ऑर्डर्स, दे डोंट डू डायरेक्ट क्रिएटिव सेलिंग बट दे डू हेल्प इन द प्रोसेसिंग द ऑर्डर विच इज रिसीव। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस है, ओवरव्यू था। स्टार्ट करेंगे पहली कैटेगरी से, दैट इज ऑर्डर टेकर्स। कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए परसुएट करना इनका काम बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये काम है कि जो परचेज क्वांटिटी है उसको ये बढ़वाएं। तो फिर इनका बेसिक फंक्शन क्या है, जस्ट सिंपली कस्टमर का ऑर्डर को बुक करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट डिपार्टमेंट में कंपनी के पास आगे फॉरवर्ड कर देनी है, राइट। बुकिंग से कंसर्न है प्राइमरीली। तीन तरह के ऑर्डर टेकर्स होते हैं, इनसाइड ऑर्डर टेकर्स, डिलीवरी सेल्स पीपल एंड आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स। सो इफ यू टॉक अबाउट इनसाइड ऑर्डर टेकर्स, जो एक रिटेल स्टोर पर टेक्निकल एक टिपिकल बता देता हूँ, रिटेल सेल्स असिस्टेंट जो काउंटर पर बैठे रहते हैं द सेल्स पीपल, वो होते हैं इनसाइड ऑर्डर टेकर्स। बिल्कुल भी कस्टमर को इन्फ्लुएंस नहीं करते कि क्या खरीदे वो क्या ना खरीदे, पूरा फ्रीडम देते हैं कस्टमर को। तो इनका प्राइमरीली टास्क क्या है, ट्रांजेक्शनल नेचर का है, मतलब कि पेमेंट रिसीव करनी है और गुड्स जो है वो कस्टमर को हैंड ओवर कर देने हैं। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, इनसाइड ऑर्डर टेकर्स। सेकेंड है डिलीवरी सेल्स पीपल। नाम से क्लियर है, डिलीवरी इनका प्राइमरी, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट इनका प्राइमरी जो है इनका काम होता है। थोड़ा अटेम्प्ट ये कर सकते हैं टू परसुएट द कस्टमर कि वो अपना ऑर्डर का साइज क्वांटिटी इंक्रीज कर ले, मगर अल्टीमेटली वो सारी जो डिसीजन है वो कस्टमर का ही है, राइट। डिमांड को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करते ये, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका जरूर प्ले होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्डर को आपको ऑर्डर मिलता है या ऑर्डर आपसे चला जाता है वो डिपेंड करेगा कितनी रिलायबल आपकी डिलीवरी रहती है उस पर भी, राइट। सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी। थर्ड वी हैव आउटसाइड ऑर्डर टेकर। कस्टमर ने कोई क्वेरी रेज करी, उसके रिस्पॉन्स में ये कस्टमर को विजिट करते हैं ये इस तरह के सेल्स पीपल और उसको परसुएट करते हैं कि वो आगे परचेज प्रोसेस को कंटिन्यू करे। हालांकि आजकल के टाइम में इस आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स की जगह पर एक ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट टेलीमार्केटिंग टीम अभी यूज़ करने लगे हैं लोग, कॉल पर ही सारी बात करते हैं और प्लस बुकिंग भी अब ऑनलाइन ही होने लगी है। तो ये आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स अब थोड़ा कि कम हो गया है दिस ट्रेंड, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड इज अबाउट ऑर्डर क्रिएटर्स, दीज आर द वन हु क्रिएट द ऑर्डर्स। थोड़ा समझना इस चीज को, ये बेसिकली मिशनरी सेल्स पीपल होते हैं। मिशनरी क्यों बोला गया, क्योंकि अभी बता देता हूं मैं आपको, ये एक्चुअल में सेल को क्लोज नहीं करते, सामान बेचने का काम नहीं होता। इनका काम क्या है, फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझिए और उसे कन्विंस करिए कि इनकी कंपनी के प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो MRs होते हैं, डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो डॉक्टर को कोई गुड्स नहीं बेचते, कोई मेडिसिन अपनी डॉक्टर को डायरेक्टली नहीं बेचते, बल्कि उसको परसुएट करते हैं कि वो अपने पेशेंट को वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे ताकि वो उस मेडिसिन को परचेज करें। सिमिलर रोल होता है आर्किटेक्ट्स के केस में भी। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी सिचुएशंस में जो इनका सेलिंग का टास्क है वो ज्यादा है एजुकेट करना और गुडविल क्रिएट करना अपनी कंपनी की, ना कि एक्चुअल में जाकर सामान को बेचकर पैसे लेके आना। फाइनल कैटेगरी ऑर्डर गेटर्स, ये अब वो लोग हैं जो फ्रंटलाइन सेल्स पर्सन है। इनका काम है जाकर कस्टमर को एक्चुअल में परसुएट करो कि वो इनसे प्रोडक्ट को परचेज करें। नए कस्टमर बनाना भी इनका काम होता है। इनके अंदर कुछ पांच कैटेगरीज हैं, जैसे कि न्यू बिजनेस सेल्स पीपल, ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स पीपल, कंज्यूमर सेल्स पीपल, टेक्निकल सपोर्ट सेल्स पीपल और मर्केंडाइजर्स। अगर पहली कैटेगरी की बात करें, दैट इज द न्यू बिजनेस सेल्स पीपल, तो इनका काम है नया बिजनेस लेके आना, प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, नए कस्टमर बनाना, ठीक है। वो कैसे होगा,
गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ना कि ना सिर्फ नए बायर्स के साथ बल्कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ भी, क्योंकि वो नए प्रोस्पेक्ट्स की लीड इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉलिंग और विजिट्स इनके जॉब का एक पार्ट होता है, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ पर कौन सी चीज़ क्लिक कर जाए, तो ये कोल्ड कॉलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पर। सेकेंड कैटेगरी इज ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स पीपल। एज द नेम सजेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स होते हैं इनके, ये B2B जिसको बोलते हैं ना, वो वाला इनका कॉन्सेप्ट रहता है। ये बेसिकली एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द कस्टमर एंड द फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑफ देयर ओन कंपनी। कभी कभी यहाँ पर टीम सेलिंग भी हो जाती है, जहाँ पर इनको असिस्ट करने के लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई स्पेशलिस्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इनकी टीम। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेल्स पीपल। एज द नेम सजेस्ट, दे सेल डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स को ये गुड सेल करेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क इनका ये है कि कस्टमर को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, क्योंकि उससे सेल्स तो होगी नहीं, बट थिंग्स माइट गो द अदर वे। तो इनको ये पता होना चाहिए कि वेन टू जस्ट स्टॉप परसुएटिंग द कस्टमर। अगर इफ़ इज़ जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड, तो इनको फिर वहाँ पर उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो इट्स अ वेरी, अगेन अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ जॉब ओवर हियर। नेक्स्ट वी हैव टेक्निकल सपोर्ट सेल्स पीपल। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल है, जहाँ पर नेगोशिएशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो सेल्समैन को असिस्ट करने के लिए स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द फाइनेंसेस एंड रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन को कस्टमर को चाहिए इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो स्पेशलिस्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। ये ऑनगोइंग भी हो सकता है या फिर टेम्परेरी बेसिस पर भी इन स्पेशलिस्ट को यूज़ करा जाता है ड्यूरिंग द सेल्स प्रोसेस। लास्ट एंड फाइनली द मर्केंडाइजर्स। रिटेल और होलसेलिंग के अंदर ये बेसिकली सपोर्ट, सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। कैसे? बाय गिविंग देयर वैल्यूएबल एडवाइसेस अबाउट द डिस्प्ले ऑफ द रिटेल स्टोर और द होलसेल स्टोर, द सेल्स प्रमोशन विच मस्ट बी कैरिड आउट ओवर देयर, स्टॉक लेवल कितना मेंटेन करके रखना है, प्लस मेंटेनिंग अ कॉन्टैक्ट विद द स्टोर मैनेजर्स इटसेल्फ। ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप स्टोर मैनेजर के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, राइट? सो दिस वॉज द लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। बहुत एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। फील फ्री टू जस्ट गेट इन टच इन केस यू हैव गॉट एनी फर्दर क्वेरीज, क्वेश्चंस और डाउट्स। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, इट्स मी अमित शर्मा साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।